वीकेंड पे शायद ही है जो कभी पार्किंग मिलेगी। हार्ड लक इज ऑन द पेज बट आई डिडंट लाइक देयर वे हैड टू फाइट एंड मिसबिहेव हैड टू फाइंड अ वे टू चेंज हैड टू लीव टू फाइंड माय वे गॉट अप इन अ डेड्रीम आई बी इन माय माइंड। ये जो मॉल के बेसमेंट पार्किंग पे टर्निंग्स होती है ना, ये वाली टर्निंग, ये ऐसा फीलिंग आती है कि टोक्यो ड्रिफ्ट में कहीं आ गए हो। अब एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं जे जोन -2 लेवल और गाड़ी यहाँ पार्क है। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिनों बाद कोविड की रिकवरी के बाद मैं मॉल आया हूँ। पहले कोविड वाला ब्लॉग तो मैंने देख लिया होगा, हमारी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था। तो आज 6 फरवरी है। द रीजन मैं मॉल आया हूँ, मैं घर पे झूठ बोला मॉर्निंग शॉक और मम्मी को कि मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं ये आउटफिट पहन के मीटिंग पे तो जाऊंगा नहीं। थिंग इज 10 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी है एंड 10 फरवरी को मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शूट पे हूँ। फॉर्चुनेटली इसलिए बिकॉज काम कभी रुकना नहीं चाहिए, तो मैं शूट पे हूँ उस दिन एंड मैं घर पे नहीं होने वाला हूँ। आई थॉट कि मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेता हूँ जो कि मैं उसको आज या वो 10 तारीख को ओपन कर सकती है। कि आगे 10 तारीख को क्या सेलिब्रेशन होगी हमें भी नहीं पता। मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या लेने वाला हूँ। मेरे को दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा कि मैं उसके लिए क्या ले सकता हूँ अभी एज अ गिफ्ट। सो पूरा मॉल घूमूंगा, चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा। पहला स्टॉप मार्क्स एंड स्पेंसर से निकला मैं अभी। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को क्योंकि यहाँ सेकेंडली दूसरी प्रॉब्लम ये है, तो स्टोर पे सेल तो है बट विंटर कलेक्शन है हर जगह पे। अभी तो समर जाने लगी तो समर कलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू भाई, भारी डिस्काउंट था क्रोक्स पे। पहली बार मैंने लाइफ में देखा कि क्रोक्स के रिटेल स्टोर पे इतना डिस्काउंट था, तो ये तो कैपिटलाइज करना बनता ही था। धीरे धीरे जब मैं शॉपिंग कर रहा ना, मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ यार शॉपिंग करने में। अच्छी चीज़ें ले सकता हूँ अगर टाइम मिले तो। अभी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कुछ नहीं है, सबको लग रहा है मैं मीटिंग में हूँ, मस्त आराम से अच्छी अच्छी चीज़ें ले रहा हूँ जो सही लग रहा है मेरे को। मैं होम सेंटर आया, सोचा मोनिशा के साथ लगे हाथ मेरी भी शॉपिंग कर लूँ। मैं ये वाला पिल्लो यूज़ करता हूँ, ये मैं लेता था 1000 का, 2-3 साल बाद इसका भाव देखो 2700 कर दिया। सो दिस बिकम्स नाउ आउट ऑफ बजट। ऐसा ही सिमिलर ये है पैटर्न, सेम है बेसिकली। इसमें जेल होता है ऊपर और इसमें जेल नहीं है, बाकी दोनों सेम है। तो मैं फिर ये वाला ले रहा, ये थोड़ा सा सस्ता है। डन विद द शॉपिंग, अब घर चलते हैं। एक चीज़ मैंने नोट कर ली है कि जितना अकेले आने में प्रोडक्टिविटी वाली शॉपिंग होती ना, वैसी शॉपिंग परिवार वालों के साथ आगे नहीं होती है। बहुत घूमना होता है, फिर खाना पीना ये करो वो करो। मैं अपना आया, मस्त सामान लिया और अभी चलता बन रहा हूँ घर के लिए। एंड आई होप जो सामान लिया मैंने वो अच्छा लगे और थोड़ा यूज़फुल भी हो। एटलीस्ट मैं एनिवर्सरी पे नहीं हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्पनसेट तो कर ही सकता हूँ। एंड एक और चीज़, मैंने कुछ कुछ गिफ्ट्स तो लिए हैं बट मैं श्योर नहीं हूँ मैं व्लॉग में कुछ डालूंगा क्या नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ये सब चीज़ें सीक्रेटिव रखना ज़्यादा बेटर लगता है। सो या आई थिंक नाउ आई विल हेड होम एंड सीधा मैं ये क्लिप जो है कंटिन्यू करूंगा 10 तारीख को। यहाँ पे कृष्ण पापा का हेड तो है, आईज एंड हेड। लगे हाथ से वो कह रहा दूर जाओ वरना गला भी दबा दूंगा पैर से। अभी जो हम आए हैं डॉक्टर के पास बिकॉज इसका 6 मंथ्स का जो है वैक्सीनेशन स्केड्यूल्ड है, तो उसके लिए हम लोग अभी आए हैं। बाकी वैक्सीनेशन करा तो और फिर घर जाके बात कर दो यार। गिफ्ट किसी अगेन युवान, गिफ्ट किसी एंड वी आर बैक एट दिस। आज है हमारी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। बहुत दिन बाद हमारे घर पे ऐसा माहौल देखने को मिला है जहाँ पर हम सब साथ में बैठे। वैसे ये शुरू किया था थोड़े दिन पहले बट ब्लॉग के हिसाब से तो अभी अभी ये आया ना। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वो हो रहा है कि मम्मी को केक बनाना है, मम्मी को केक बनाना, बट मैंने मम्मी को मना किया केक मत बनाओ क्योंकि कोई पॉइंट नहीं बनता है क्योंकि ऑलरेडी केक ऑर्डर किया हुआ है मैंने। हाँ लेकिन वो बाहर का केक है ना, घर का केक घर का ही होता है ना। मैंने मम्मी को बोला कि 2 दिन बाद इसका 6 मंथ है तब बना देना, नहीं तो अलग बनाऊंगी।
अच्छा आप भी फ्रेम में आके बात कर तो मैं अलग बनाऊंगी, आज मैं अलग बनाऊंगी, आज मैं मेरे बच्चों के लिए बनाऊंगी और उस दिन मेमोरी झाल के लिए बनाऊंगी। अच्छा सॉरी 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 पा 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 देखा किसी मामा 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 नहीं तो उसे सामने नहीं आता इसके दिन। अरे नहीं आ रही पा 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 देखा 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 पा 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 देखा फिर से देखा। और ये मम्मी एज ऑलवेज हमारे एनिवर्सरी के लिए ये बनाया मम्मी ने नूडल्स और ये पनीर मंचूरियन और मम्मी केक भी बना रही है। सुनता क्या वो आप साइलेंट थोड़ी हो आप थोड़ी वो टोबा बोलता है टोबा बोलता है वो वाली ऑल द बेस्ट पिक्चर टोबा बोलता है इसमें बना रही है। अपेरेंटली हमारा ओवन में अच्छा केक नहीं बनता टूट जाता है। मम्मी से अच्छा नहीं बनता केक, मेरे से भी नहीं बनता है केक अच्छा। उसमें मम्मी उसमें केक बना रही है दस ट्रफल और मैंने जो है रात को ये मंगा लिया था। मेरे को दो केक शॉप अच्छे रहते थियोब्रोमा और एक बॉस्टन कप केक, तो मैंने वहाँ से एक मंगा लिया था। बट इसका साइज जो बड़ा छोटू सा केक आता है लोग यार आधा किलो भी नहीं होता 450 ग्राम होता शायद। ये रात को काटेंगे हम लोग। ये बन रहा पनीर मंचूरियन ले लो प्लीज। नॉर्मली जो हम है वो एनिवर्सरीज पे बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने या कुछ, बट आज ये जो भाई साहब हैं इनको वैक्सीनेशन लगा, आज नहीं कल लगा था, हाथ निकालो इनको कल ओके सॉरी सॉरी अच्छा सॉरी 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 इनको कल वैक्सीनेशन लगा था जिसके वजह से इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। वो हल्का फीवर रहता है थोड़ा हल्का क्रैंकीनेस रहता है। इसके वजह से मैंने और मोनिशा ने सोचा कि हम अभी आज नहीं जाते बिकॉज अगर आज जाएंगे तो फिर प्लान फ्लॉप हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, ये चिड़चिड़ करेगा रेस्टोरेंट में जाके बहुत। तो वी थॉट कि आज घर पे रहते हैं, एक छोटी सी ड्राइव पे जाएंगे, मंदिर अगर जाएंगे तो जाएंगे या छोटी सी ड्राइव पे अगर गए तो गए, वो भी श्योर नहीं है, डिपेंड इसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। फिर थोड़े आने वाले दिन में थोड़ा मैं फ्री हो जाऊंगा ना हम सब बाहर चले जाएंगे साथ में, कोई टेंशन नहीं। एंड एक और बात, मुझे लगा था ये शॉर्ट कट होएगा डायरेक्टली 10th के लिए शूट के लिए, बट फॉर्चुनेटली मेरा शूट जो है वो थोड़ा पुश हो गया 16th को, आई थिंक 16th या आने वाले ऐसे 16-17 में पुश हो गया, तो मेरे पास अभी टाइम है तो आज मैं घर पे ही हूँ। और एक कहावत है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो बस। बहुत बोर हो रहा था बाहर जाने के लिए क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम है क्रिसमस से रिलेटेड, तो वो पूरा करना है, उसके वजह से हम लोग अभी शाम को बाहर नहीं जा पाएंगे, प्लस फिर वो केक कटिंग और वो सब भी है तो वो सब चीज़ों के लिए लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी फ़िलहाल घर पे ही हैं। मैं शायद बाहर जाऊँगा क्योंकि दो दिन बाद जो है हमारे बच्चे का 6 मंथ्स सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए मेरे को एक केक ऑर्डर करना था एक स्पेसिफिक, तो उसके लिए शायद मैं बाहर जाऊँगा शॉर्ट न्यू। तो अभी ट्रेसी ने जो दो गिफ्ट्स मंगाए हैं युवान कृष्ण के लिए मैं दिखा था, बहुत अच्छे गिफ्ट है ये, मतलब ये दोनों का राहुल ने ऑर्डर किया है। एक सेकंड ना, दोनों सेम दिख रहे हैं। दैट इज फॉर युवान एंड दिस इज फॉर कृष्ण बिकॉज़ कृष्ण लेट के कोशिश से चाचू प्लीज गिव से टापू टापू युवान बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसको देख के। 6 मंथ्स के लिए निकालना था, लिया था, थैंक गॉड दोनों निकालना था या लेना था क्या देने के लिए लिया था, दोनों का सेट साथ में ये क्या ट्रॉलिंग के लिए ऐसा कुछ करते ना मूव ना हिटन हिटन रन जो बेसिकली तू करती मेरे साथ ट्रॉल हिटन। और ये हमारे जितेंद्र रेडी हो गए ढल किस चीज पे डांस करेगा ढल गया दिन ओ गई शाम मुंह में डालना इसको। अरे यू हैव टू ये तो पीछे कर, पीछे कर उसको थोड़ा। हाँ हील रीच ओवर हियर। हाँ तो ट्राई करेगा रीच करने का और अब ये रूठ भी जाएगा कि इसके हाथ में नहीं आएगा तो तब तक जल्दी रूठ जाता है रोहित जस्ट लाइक हिज फादर मदर फादर फादर। राहुल बोलेगा दो ट्रेसी कम थी एक ट्रेसी और आ गई। अभी जो है फटाफट कृष्ण के थोड़ा सोने का टाइम हो गया, थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा, फटाफट टाइम निकाल के जो केक है वो कट रहे थे बिकॉज उसके बिना हम लोग केक नहीं कट कर सकते। तो, और ये रेडी हो रही है, कुछ रेडी नहीं हो रही, मत करिए रेडी हो रही है। अरे तूने मेरे को ऐसा कैमरे में पब्लिकली विश नहीं किया एनिवर्सरी मंडप तैयार है और अभी बुलाया जाए केक, वैसे एनिवर्सरी हमारी बट केक तो हमारे बच्चे कट करेंगे घर के।
ओ थ्री हाँ, मैं एक टाइम के कंफ्यूज हो गया था इसको देख के कि ऋषभ का केक है कि हमारा केक है। हाँ ये थ्री इयर्स का, हाँ केक केक हो रहा है ना सुबह से ऋषभ के लिए। और यहाँ पर पापा ने सुबह आने वाले स्ट्रॉबेरी शेक की तैयारी कर दी है। और सबसे इम्पोर्टेंटली यानी क्या है, 400 ग्राम जैसा केक दिया है लोग ने। वाह ये कैसे क्या मम्मी बस किया वो फूल ही बस वेरी नाइस है। ओह मैं सिर्फ गार्निशिंग टच दे रही हूं। मैं दिस इज एन हार्ट ओके सो नॉट बट फॉर यू सबर के बाण को कंट्रोल करते हुए क्रिशिव सर एक रोज पाती कैसे बताए किस किस तरह से पल पल मुझे तू सदा दी तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी ही यादों थोड़ा सा ख्यालों में उलझा रहा जैसे कि बेबी का वेरी नाइस। ये संगीता ब्रोमा है, ये थियो ब्रोमा है। ये का ही जाएगा। हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा एनिवर्सरी पे हाँ। मैं 6 महीने बोल रहा हूँ। मेरे को भी सेम कंफ्यूजन हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉशिंग द वीडियो मम्मी। वॉशिंग नहीं वॉचिंग द वीडियो वॉशिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। And we will see you on the next one, probably on my 6-month celebration. Yay, bye. Thank you so much for watching. Bye-bye. Ta-da. Ta-da.